क्लियर है अब ये क्या कहता है, कि मतलब कह रहा है कि जितनी वैल्यू सिस्टम ए की होगी उतनी ही वैल्यू सिस्टम बी की होगी सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी एंड सिस्टम बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी मतलब बी इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो कह रहा है कि ऑब्वियसली सिस्टम ए विल बी इन आल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सिस्टम सी मतलब तीनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम होंगे ऐसा समझ में नहीं आएगा ये कह रहा है कि मान लो ए बी सी अब इसकी लैंग्वेज सिंपल तरीके से समझना ये कह रहा है मान लो ए की वैल्यू दस है क्लियर है मान लो ए की वैल्यू दस है और कह रहा है कि बी की वैल्यू भी ए के बराबर है तो ए की वैल्यू दस है तो बी की क्या हो गई दस क्लियर है अब इसने कहा कि जो सी की वैल्यू होगी ना वो बी के बराबर होगी तो अरे बी की दस है तो सी की भी दस हो गई तो कह रहा है कि ऑब्वियसली और सी की भी तो बराबर होगी तो सिंपल ये लो पता चल गया आपको और यहां पर किसकी बात होगी? होगी। की बात इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स कहता है ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स बट इसका ड्रॉबैक ये था कि इसने किसी भी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो किस डायरेक्शन में होगी उस चीज के बारे में नहीं बताया उसके लिए आया था फिर इज सेकंड लॉ ऑफ इसने इस डाउट को क्लियर कर लिया क्लियर है इसने बात किसकी की इज एंट्रोपी इसने एंट्रोपी के बारे में बात की और एंट्रोपी को मैंने एक अलग वीडियो बता के वहां पर अच्छे से क्लियर करा रखा है फिर भी मैं बता देता हूं कि एंट्रोपी होता है दैट इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस पड़ी है अपने आप ठंडी हो जाती है क्योंकि उसके जो मोशन होते हैं ना इसके पार्टिकल्स के वो डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं डिसऑर्डर्ड वे में आ जाते हैं दैट इज एंट्रोपी तो वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा उसको थोड़ा डिटेल में देख लेना तो ये कह रहा है कि एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज क्या याद रखना दैट इज इंक्रीज आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगी क्लियर है नाउ कम टू दी लास्ट दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या कहता है कि थर्मो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल परफेक्ट क्रिस्टल की बात हो रही एट एब्सोल्यूट जीरो इज ऑलवेज जीरो मतलब कह रहा है कि एंट्रोपी हमेशा उसकी जीरो होगी मतलब क्या होगा कि ऑल मोशन विल स्टॉप सारे मोशन रुक जाएंगे ना वाइब्रेशन होगा ना रोटेशन होगा और ना ही कोई ट्रांसलेटरी मोशन होगा कहां पर एट जीरो केल्विन किसी भी ऑब्जेक्ट को इस टेंपरेचर तक ले आए तो इसमें सारे मोशन स्टॉप हो जाएंगे क्लियर है ये परफेक्ट क्रिस्टल की तरह बिहेव करेगा क्लियर है थैंक यू सो मच चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर आपके सामने लता रहूं थैंक यू